अभी हम हैं जबलपुर में और आज एक्सप्लोर करने वाले हैं जबलपुर के कुछ हिडन प्लेसेस या फिर कहें अनएक्सप्लोर्ड प्लेसेस, क्योंकि मोस्टली मेन स्ट्रीम ट्रैवलर्स जो है कवर नहीं करते हैं। यहाँ के लोकल लोगों ने तो काफ़ी ज़्यादा दिखाया होगा बट बाहर से आगे कोई इन प्लेसेस को कवर नहीं करता है। तो हमने सोचा कि हम हैं जबलपुर में इस टाइम पर, हमारी ट्रेन को भी टाइम है, तो क्यों ना जबलपुर में रुक करके उन प्लेसेस को एक्सप्लोर किया जाए। तो सबसे पहले उन प्लेसेस के बारे में बता दें कि हम कहाँ कहाँ जाने वाले हैं। तो पहले नंबर पे हम लोग जाने वाले हैं भेड़ाघाट, जो कि यहाँ से लगभग 16-17 किलोमीटर है, ठीक है। दूसरे नंबर पे जाने वाले हैं धुआंधार वाटरफॉल्स और तीसरे नंबर पे जाने वाले हैं बाड़गी डैम। तो ये तीन प्लेसेस को हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं। और अगर बात करें रेलवे स्टेशन से कनेक्टिविटी की, तो कनेक्टिविटी में बसेज आपको मिल जाएंगी। अभी क्या फेयर है, क्योंकि मैंने स्कूटी रेंट पर लिया है तो फेयर का आइडिया नहीं है, बट हाँ 30 या 40 रुपये के आसपास ही होगा भेड़ाघाट तक का। तो मैंने यहाँ पे लिया है स्कूटी क्योंकि मुझे टाइम भी कम था मेरे पास में और जो है ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लोर करना था, तो उसके लिए मैंने जो है स्कूटी यहाँ से स्टेशन से ही रेंट पे ले लिया था। स्टेशन पे ये है नमहा लाउंज, अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ नमहा लाउंज से आप लोग स्कूटी रेंट पे ले सकते हैं। स्कूटी का रेंट हमको पड़ा था 500 रुपीज़ और जो स्कूटी है वो थोड़ी सी ओल्ड कंडीशन में है, बट फिर भी आपको दिखाते हैं कि स्कूटी कैसी है। पहली एक्टिवा स्कूटी हमने रेंट पे ली है और स्कूटी की हालत आप लोग देख सकते हैं किस तरीके की है, ठीक है। ये हमको 500 रुपये में पड़ी है और स्कूटी की कंडीशन तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। एक बार इसको ना थोड़ा सा इसका भी वॉक थ्रू ले लूँ, क्योंकि सही रहता है अगर स्कूटी रेंट पे लेते हो तो। मोस्टली क्या होता है कि किसी के दूसरे के द्वारा कुछ किया गया होता है, मतलब कि डेंट वगैरह, स्क्रैच वगैरह, और वो हो सकता है बोल दें कि तुमने कैसा करके दिया है, तो वीडियो बनाना भी ज़रूरी होता है। जो स्कूटी रेंट पे हमने ली थी वो आपको दिखाई। स्कूटी में हमको जो है पेपर्स वगैरह कुछ भी नहीं मिले हैं और एक बेकार सा हेलमेट दिया है, ठीक है, और चार्जेस लिए 500 रुपये, पेट्रोल भी नहीं दिया है साथ में। कितना, 300 ml बता रहे, 300 ml के आसपास पेट्रोल होगा उसमें। और ये बिल्कुल ना आपको स्टेशन पर ही मिल जाएगा, तो शाम को ट्रेन भी है तो यहीं से यहीं से पिकअप करेंगे और यहीं पर ड्रॉप कर देंगे, तो शाम को ट्रेन है 9 बजे, यहीं से निकल जाएंगे। तो चलते हैं एक्सप्लोर करते हैं जबलपुर को। तो हम लोग निकल चुके हैं रेलवे स्टेशन से भेड़ाघाट के लिए। तो अभी हम लोग रास्ते में बढ़ रहे हैं भेड़ाघाट की तरफ और यहाँ से भेड़ाघाट लगभग 5 किलोमीटर है, लेकिन आप देख सकते हैं रास्ते में जो है ये रास्ता पूरी तरीके से वेल कनेक्टेड है शॉप्स के साथ में। खाने पीने के आपको सारे सामान मिल जाएंगे, काफ़ी सारे घर भी मिल रहे हैं, तो ऐसा लगेगा नहीं कि मतलब आप कहीं आउट एरिया में जा रहे हैं। बाकी जो लोकेशन है एक बार पहुँच के वो देखते हैं कैसी है। और भेड़ाघाट ना वेल कनेक्टेड है कनेक्टिविटी से भी, रेलवे स्टेशन से आपको जो है बसेस वगैरह मिल जाएंगी या फिर ऑटो वगैरह भी आप अपना पर्सनल करके आ सकते हैं। बाय द वे बसेस तो मतलब मिल जाएंगी, जो कि यहाँ की शायद प्राइवेट बसेस हैं या गवर्नमेंट है उतना आइडिया नहीं है मुझे, 30-40 रुपये लगेंगे। और मैंने स्टेशन भी आपको दिखाया था बसेस किस तरह की हैं, वही वाली हैं जो कि धुआंधार वाटरफॉल्स भी जाती हैं और भेड़ाघाट भी जाती हैं। में बस स्टॉप भी है, भेड़ाघाट, धुआंधार, चौसठ योगिनी मंदिर, पंचवटी नौका विहार, पंचवटी बंदर, कुदनी। हम लोग पहुंच चुके हैं भेड़ाघाट और यहाँ पर है नर्मदा रिवर। बाकी बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं, हमने स्कूटी अपनी पार्किंग में पार्क कर दी है। ये बसेस हैं रेलवे स्टेशन से आपको मिल जाएंगी। एक बार चलते हैं अंदर की तरफ। और यहाँ पर भीड़ काफ़ी ज़्यादा है, मुझे तो ऐसा लगा था कि ये मतलब एरिया जो है रिमोट एरिया होगा, बट ये रिमोट एरिया नहीं है, ये प्रॉपर मतलब कह सकते हो वेल कनेक्टेड एरिया है यहाँ का।
बाकी आप चलते हैं धुआंधार डैम की तरफ और बोटिंग का बताते हैं सीन क्या है यहाँ पे। तो यहाँ पर काफ़ी सारे लोग अपनी अपनी गाड़ियों से आए हुए हैं और बसेस वगैरह खड़ी हुई हैं, कांवरिए वगैरह भी हैं। यहाँ पर सावन चल रहा है, इस वजह से काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और खाने पीने का भी काफ़ी अच्छा इंतज़ाम है। होटल्स वगैरह आपको सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। तो यहाँ पर सामने लिखा हुआ है आई लव भेड़ाघाट, जो कि एक सेल्फी पॉइंट बनाया गया है और यहाँ पर लोग सेल्फी वगैरह भी ले रहे हैं। और अगर बात करें भीड़ की तो वो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से है यहाँ पर, और कह सकते हैं यहाँ कि ये पूरा एक पिकनिक स्पॉट है। सामने टॉयलेट वगैरह भी है, सार्वजनिक टॉयलेट, और मतलब सारी ही फैसिलिटीज़ यहाँ पे हैं। और जो यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ बोर्ड लगा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, तो जो चट्टाने हैं वो बताया है कि संगमरमरीय चट्टानों पर प्राकृतिक कलाकृति की भूमि। तो भेड़ाघाट धुआंधार, भेड़ाघाट में है धुआंधार प्रपात, और स्वर्ग द्वारी में डोलोमाइट में एलिफेंट स्किन का कुछ मतलब है बना हुआ, ठीक है। और बंदर कुदनी मार्बल, तो जो भेड़ाघाट ना वो टोटल मार्बल का बना हुआ है, मतलब मार्बल की चट्टाने हैं यहाँ पर। तो भेड़ाघाट में ना अगर आपको सुवीनियर्स वगैरह कुछ लेने हैं या फिर कुछ कहें मार्बल की मूर्ति वगैरह, तो वो भी यहाँ पर मिल जाएंगी। और इधर सारे कैप वगैरह और सारी मूर्ति वगैरह मार्बल की बनी हुई वो भी मिल रही है। तो यार काफ़ी सारी चीज़ें लगभग यहाँ पर अवेलेबल हैं। और चुके हैं नीचे की साइड, ऊपर से आ गए हैं नीचे, और नीचे बह रही है वहां पर नर्मदा रिवर। और पीछे आप लोग देख सकते हैं यहां पर रोप वे भी चलता है, लेकिन अभी मेंटेनेंस की वजह से रोप वे को बंद कर रखा है। बाकी जो भेड़ाघाट है ना, मुझे ऐसा लगा था कि भेड़ाघाट अलग है और धुआंधार फॉल्स अलग है, तो धुआंधार फॉल्स जो है वो है भेड़ाघाट में। और दोस्तों यहाँ पर बोटिंग भी होती है, लेकिन बोटिंग क्या है 4 महीने बंद रहती है, 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक। और मैंने सोचा था कि हम लोग आए हैं तो बोटिंग का भी आनंद उठाएंगे, लेकिन बोटिंग जो है हमारे दुर्भाग्य से बंद है अभी, तो बोटिंग का आनंद नहीं उठा पाएंगे। बाकी जो नर्मदा रिवर है ना, तो बाड़गी डैम होने की वजह से यहाँ पर फ्लड्स जो है बहुत ही फ्रिक्वेंटली आ जाते हैं। और ऊपर जो भैया बता रहे थे कि यहाँ से ऊपर तक, तो वहाँ तक देख सकते हैं आप, वहाँ तक मतलब कि जो है पानी कभी कभी हो जाता है, तो यहाँ से जो भी शॉप्स वगैरह है वो हटानी पड़ जाती है इनको। और जो रोप वे है वो मेंटेनेंस की वजह से, पीछे देख सकते हैं शायद वो रहा ठीक है। तो रोप वे जो है वो मेंटेनेंस की वजह से बंद कर रखा है। बाकी चलते हैं धुआंधार फॉल्स की तरफ और नर्मदा रिवर को देखते हैं एक बार, ठीक है। और हाँ, बोटिंग का तो मैंने बताया ना, बोटिंग 4 महीने तक बंद रहती है। तो अगर आप लोग अभी आ रहे हैं, तो अगर आप बोटिंग नहीं करना चाहते तो आ सकते हैं, वैसे अगर बोटिंग करना है आपको ना तो फिर इस टाइम पर मत आइए। और ये रोप वे चलता है यहाँ से लेकर के वहाँ तक, ठीक है। और हम लोग जाएंगे अभी, देखते हैं इधर से, इधर भी लोग दिख रहे हैं वहाँ पे, ठीक है, और वहाँ ऊपर भी लोग दिख रहे हैं, और वहाँ पर है धुआंधार फॉल्स। तो चलते हैं पहले धुआंधार फॉल्स की तरफ, देखते हैं। तो वहाँ पर स्टेशन पर मैंने बोला था कि ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस है, लेकिन ये अनएक्सप्लोर्ड प्लेस बिल्कुल नहीं है, ये तो मेन स्ट्रीम प्लेस है। बनाया गया है व्यू पॉइंट, चलते हैं व्यू पॉइंट की तरफ और वहाँ से एक बार देखते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं व्यू पॉइंट पर और यहाँ से आप लोग नर्मदा नदी को देख सकते हैं। दोस्तों नर्मदा नदी का हमारे धार्मिक पुराण या फिर ग्रंथों में काफ़ी ज़्यादा महत्व है, ठीक है। मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है, बट हाँ यहाँ पे मतलब इस नदी को भी एक होली रिवर माना जाता है। और बाकी ये रिवर का आप लोग रूप देख सकते हैं, कितना भयंकर विकराल रूप है यहाँ पे। और ये जो ना चट्टानों के बीच से बहती हुई, ठीक है, तो ये पॉइंट ना काफ़ी ज़्यादा मतलब ब्यूटीफुल है, और ये जगह सच में जो है एक्सप्लोर करने लायक है। यहाँ पे इतनी दूर से आने के लिए, मतलब आने का जो भी मेहनत लगा है ना, वो सारा कुछ वसूल है। नीचे देख सकते हो आप लोग बोटिंग किस वजह से नहीं हो रही, तो बोटिंग इसलिए नहीं हो रही क्योंकि फ़्लो देखो आप लोग एक बार, ऐसे फ्लो में बोटिंग करना डेंजरस होता है। और बाकी जब भी ऐसा होता है कि यहाँ पे फ्लड्स वगैरह फ्रिक्वेंटली आते रहते, तो आप लोग देख सकते हो कि वहाँ तक मतलब जो है यहाँ नीचे से देखें और वहाँ तक पानी हो जाता है। तो अभी चलते हैं धुआंधार फॉल्स की तरफ, उधर साइड देख सकते हैं आप लोग, उधर साइड फॉल्स है, तो फॉल्स की तरफ चलते हैं। तो
तो आप लोग यहाँ से ना जो है धुआंधार फॉल्स का व्यू पॉइंट से व्यू देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त आ रहा है, ठीक है। और भाई सच में यार इतना मेसमराइजिंग व्यू है। तो यहाँ पे आने के जो है मुझे लगता है यार मेहनत मेरी वसूल हुई, ठीक है, आने की। और पैसे का क्या है, जब मेहनत वसूल हो गई तो पैसे भी वसूल ही हो गए। बाकी मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोग कहीं से भी हैं, एक बार इंडिया के किसी भी स्टेट से, तो एक बार यहाँ पे अगर आप लोग आना चाहें तो आ सकते हैं। व्यू यार धुआंधार फॉल्स का काफ़ी ज़बरदस्त है यहाँ पे। और देख सकते हो यार नर्मदा रिवर, वही चीज़ बार बार रिपीट कर रहा हूँ थोड़ा सा, क्योंकि क्या करूँ ना, व्यू ही इतना अच्छा है तो बार बार बोलना पड़ रहा है ये। और नर्मदा रिवर में नहाने के लिए शिव भक्त भी आए हुए हैं। तो उधर दूर आप देख सकते हैं शिव भक्तों का भी जो है जमावड़ा लगा हुआ है, लोग उधर नहा रहे हैं नर्मदा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि शायद जो है हमारे धार्मिक कथाओं में या फिर पुराणों में नर्मदा का भी कुछ धार्मिक महत्व है, इस वजह से, तो इसीलिए जो है यहाँ पर लोग नहा रहे हैं। कांवरिए वगैरह भी आए हुए हैं और भीड़ काफ़ी ज़्यादा है। ये रोप वे देख सकते हैं आप लोग सामने, रोप वे बंद रहता है। बाकी तो एक बार चलते हैं वहाँ से, पास से देखते हैं चल के फॉल्स को। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं धुआंधार फॉल्स, और जैसा नाम वैसा ही इसका रूप है, सच में बिल्कुल धुआंधार है। और देख सकते हो स्पीड और फ्लो कितना है। वहाँ पे व्यू पॉइंट है लेकिन हम लोग व्यू पॉइंट की तरफ नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ पे भी पानी चल रहा है। बेड़ाघाट का जो टूर था वो मैंने आपको दे दिया। बेड़ाघाट में सिर्फ और सिर्फ था अभी के लिए धुआंधार फॉल्स जो कि मैंने आपको दिखाया। और अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ जो कि है बड़गी डैम। देखते हैं बड़गी डैम कितनी दूर है यहाँ से, कैसे कैसे जाना है, अभी मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है। बाकी जैसे जैसे मैं एक्सप्लोर करता हूँ वैसे ही आपको बताता हूँ। और यहाँ पर जो मेन अट्रैक्शन था वो रोप वे और बोटिंग था, जो कि दोनों ही बंद थे अभी। तो मैंने बताया ना कि 15 जून से लेकर 15 अक्टूबर तक जो है बंद रहता है बोटिंग यहाँ पे। तो अगर आपको बोटिंग करना है तो उसके अकॉर्डिंग आइए। और बाकी खाने पीने का सारा ही यहाँ पे सब कुछ इंतज़ाम है, मूर्ति वगैरह भी यहाँ पर मिलती है, सब कुछ मैंने आपको अच्छे से दिखा दिया आई होप, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ, स्कूटी अपनी निकालते हैं और चलते हैं बड़गी डैम की तरफ। लोग पहुंच चुके हैं अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन बड़गी डैम पर, और अभी है नीचे की साइड से व्यू कुछ इस तरीके का है। और आने की अगर बात करें तो हमको जबलपुर से या फिर बेड़ाघाट से NH 34 लेना है सीधा, और NH 34 से लगभग जो है 30 या 35 किलोमीटर तक चलना है। उसके बाद वहाँ से मतलब एक कट पड़ेगा, तो उसके थ्रू आप आ सकते हैं। अगर बात करें ना यहाँ पर आने के लिए हमको पूरा का पूरा 40 किलोमीटर लग गया, और टाइम की बात करें तो 1 से 1.5 घंटा लगभग लग गया हम लोगों को। सीधा NH 34 लिया था बेड़ाघाट से निकलकर, और NH 34 से सीधा यहाँ पर आ गए। ये नीचे साइड का व्यू, और ऊपर वहाँ पर भी जा सकते हैं। तो एक बार वहाँ चलकर आप लोगों को व्यू दिखाता हूँ कैसा है। तो भाई नीचे से आप लोग व्यू देख सकते हो, एक ही चैनल खोला हुआ है, ठीक है। तो एक चैनल में इतना सारा पानी आपने बेड़ाघाट में देखा होगा, कितना सारा पानी हो गया, सोचो अगर सारे चैनल्स जब खुल जाते होंगे तो वहाँ पे क्या हाल होता होगा। और
एक बार ना इस तरफ का ये है और इधर से एक छोटा सा एक ब्रिज बनाया हुआ है और इस ब्रिज के बाद में यहाँ पे इधर ऐसा है। तो ऊपर चलते हैं, ऊपर से देखेंगे क्योंकि उधर साइड में ना इन्होंने वाटर को जो है स्टोर करके रखा होगा, तो उधर साइड से तो ऑब्वियसली बहुत अच्छा व्यू आने वाला है। व्यू पॉइंट और इधर स्टेयर्स को लेके हम लोग जा रहे हैं ऊपर की साइड और ऊपर की साइड से देखेंगे कैसा क्या पानी वगैरह है डैम में। हम लोग फाइनली जो है ऊपर की तरफ आ गए हैं और यहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हैं किस तरीके का है, मतलब दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है और भाई काफ़ी ज़बरदस्त व्यू है। लेकिन सच में यहाँ तक आने में मेहनत तो काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ी, लेकिन जो मेहनत की है आई थिंक वो वसूल है। आने के लिए यहाँ पर व्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं और ऊपर की तरफ भी चहलकदमी काफ़ी ज़्यादा है, लोग काफ़ी इधर घूमने के लिए आते हैं संख्या में। बाकी यार नेचर के जितना पास जाओगे ना उतना ही मन को सुकून मिलता है। तो हम लोग स्टेयर्स चढ़ के आए थे जो मैंने आपको दिखाई थी, और स्टेयर्स वाला रास्ता ना ये काफ़ी ऊंचाई पे है ना, तो स्टेयर्स वाला रास्ता काफ़ी भारी पड़ गया था एकदम से चढ़ना। और बाकी आप लोगों को पता है 40 किलोमीटर की ड्राइव करके हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। व्यू कुछ इस तरीके का है, सामने पहाड़ी दिख रही है और इधर दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी दिख रहा है। वहाँ पर उधर आप देख सकते हैं क्रूज भी चल रहा है। यहाँ पर लगाया हुआ है 90 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट। ये तो था भेड़ाघाट और बड़गी डैम का टूर। वीडियो को एंड करने का टाइम आ गया है और हम लोग 500 रुपये में स्कूटी रेंट करके यहाँ तक आए थे, जिसमें हमको लगभग 250-300 का फ्यूल लग गया, तो 700-800 में यहाँ तक पहुँचे हैं। बाकी बसेस वगैरह का तो आइडिया नहीं है, लेकिन जगह काफ़ी खूबसूरत है और अच्छी है, ठीक है, देखने आने लायक है, आ सकते हो आप लोग नो डाउट। तो टाइम हो गया है वीडियो को रैप अप करने का, मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।